हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पथरी को तुरंत गलाकर बाहर निकालने के 3 आसान उपाय। जी हाँ, आज आपको मैं बताऊंगी पथरी होने के लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आप मेरा वीडियो एंड तक देखना मत भूलेगा। हो सकता है आपको पथरी ना हुई हो, लेकिन फ्यूचर में भी ना हो, ऐसा हमें क्या उपचार करना चाहिए या ऐसे हमें क्या आहार लेना चाहिए और क्या लक्षण होते हैं, इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हर चीज के बारे में सचेतना और जागरूकता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आपके लिए वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो हो सकता है आपके किसी जानने वाले के लिए 100% इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए जान लेते हैं पथरी होती क्या है। अनियमित जीवन शैली व खाने पीने के गलत तरीके के कारण आजकल पथरी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। वैसे तो स्टोन शरीर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग गुर्दे की पथरी, पित्त की पथरी और यूरिन स्टोन की शिकायत ज्यादा करते हैं। कुछ लोग पथरी निकालने और दर्द कम करने के लिए अंग्रेज दवा का सहारा भी लेते हैं। कुछ लोग पथरी के लिए ऑपरेशन भी करवाते हैं। किडनी की पथरी हो या पित्त की थैली की पथरी हो, आप बिना मेडिसिन के घरेलू नुस्खे जैसे देसी आयुर्वेद दवा, होम्योपैथिक उपचार से भी इसका उपाय कर सकते हैं, जिसका कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होता आपके शरीर पर। अलग अलग लोगों में पथरी का साइज भी अलग अलग हो सकता है। कुछ में 1 mm से लेकर 3 mm तक स्टोन होता है, तो कुछ में 8 mm से लेकर बहुत बड़ी पथरी भी हो जाती है। पथरी का उपचार उसके कारण, लक्षण और शरीर के किसी भी जगह पथरी हुई है उसके आधार पर नियंत्रित करता है। कुछ लोग पेट, कमर और पथरी के दर्द में फर्क नहीं कर पाते। उनका अक्सर सवाल होता है कि पथरी का दर्द कैसा होता है, पथरी का दर्द कहाँ होता है। तो आज आपको सारे सवालों का जवाब मैं देने के लिए आ गई हूँ। पथरी होने के कारण क्या होते हैं। पेशाब में जब पथरी बनाने पर जैसे कि यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेन और मात्रा नॉर्मल से ज्यादा होने लगती है, तो जब किडनी इन्हें बाहर नहीं निकाल पाती तो किडनी में जमा होने लगते हैं, तो ये धीरे धीरे पथरी का रूप ले लेती है। किडनी स्टोन के कारण में प्रमुख कारण क्या होता है। शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होना, मतलब जिनको गुर्दे में पथरी होती है उनकी बॉडी में कैल्शियम जरूरत से ज्यादा है, वे शरीर से ठीक से पचा नहीं पा रहा, इसलिए उनको पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है। पानी कम पीना, यूरिन में इन्फेक्शन होना, पेशाब रोकना, पेशाब होने वाली मेडिसिन के सेवन से गुर्दे में पथरी होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। पित्त की पथरी का कारण कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी हो सकता है। अब हम जानेंगे पथरी के लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पथरी की शिकायत शरीर में कहीं भी हो सकती है। सबसे पहला लक्षण होता है तेज दर्द होना। गुर्दे की पथरी के लक्षण में दर्द की शुरुआत पीठ से होती है, फिर आगे की तरफ पेट में दर्द होता है और धीरे धीरे जांघों की ओर बढ़ता जाता है। पेशाब में खून आया या पीप निकलना भी पथरी के लक्षण में से एक है। यूरिन में इन्फेक्शन, बुखार आना, कपकपी होना पथरी के लक्षण हैं। स्टोन होने पर कुछ लोगों को रुक रुक कर पेशाब आता है, तो कुछ को पेशाब बार बार आता है। किडनी स्टोन के लक्षण में पेशाब में स्मेल आने लगती है, जलन होती है और पेन फील होता है। पित्त की पथरी के कारण पेट में तेज दर्द होता है, उल्टी की शिकायत होती है। इसके अलावा खाना पचने में दिक्कत आने लगती है और पेट में भारीपन महसूस होता है। लगातार दस्त, उल्टी होना, उल्टी के कारण थकान व बेचैनी महसूस होना भी पथरी के लक्षण हैं। अब जान लेते हैं पथरी के इलाज क्या है और इसका उपाय कैसे किया जा सकता है। पथरी का दर्द कई बार तो इतना तेज होने लगता है कि बर्दाश्त नहीं होता। दर्द से राहत पाने के लिए कुछ लोग दर्द निवारक दवा भी ले लेते हैं। पथरी के दर्द का तुरंत इलाज करने के कुछ घरेलू आसान उपाय मैं आज आपको बताऊंगी। पथरी के दर्द में राहत पाने के लिए अजवाइन पानी में उबालकर छान लें और पिएं। ये उपाय दर्द कम कर देगा और ये किसी दवाई से कम नहीं है। नींबू पानी से भी दर्द का उपचार किया जा सकता है। नींबू में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा की बढ़ने से रोकता है। दर्द के दौरान नींबू का पानी पीने से जल्दी आराम मिलता है। प्याज के रस में शक्कर मिलाकर पीने से दर्द दूर होता है, नुस्खा बहुत ही मददगार है। प्याज में विटामिन बी, पोटेशियम होता है, जो पथरी को बढ़ने से रोकता भी है। सोने से पहले रात को 2 गिलास पानी में मिश्री, 2 चम्मच सौंफ और सूखा धनिया भिगो कर रखें और सुबह इस पानी को छान कर खाली पेट पिएं। इससे आपके दर्द में आराम मिलेगा। पथरी के दर्द का तुरंत इलाज करना हो तो एलोवेरा का उपयोग बहुत ही फायदेमंद है। एलोवेरा जूस पीने से पथरी का दर्द दूर हो जाता है। केले में जो पोषक तत्व होता है वे पथरी को बढ़ने से रोकता है और दर्द में राहत भी देता है। अगर हमें किडनी में पथरी हो गई तो उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, अब वो जान लेते हैं। गुर्दे की पथरी के लिए घरेलू उपचार में सबसे अहम है पानी पर्याप्त मात्रा में पीना। इसके लिए प्रतिदिन आपको 5 से 6 लीटर पानी पीना। इस उपाय में किडनी की पथरी घुलकर पेशाब से बाहर निकल जाएगी। गेहूं की ज्वारी किडनी स्टोन ट्रीटमेंट और किडनी से जुड़े अन्य रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। गेहूं का ज्वारा पानी में उबालकर ठंडा करके पीने से आपके किडनी में बहुत ही फायदा होता है। बेल पत्र के साथ काली मिर्च लेने से
किडनी की पथरी पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती है। अंगूर में पोटेशियम और पानी अधिक मात्रा में होता है, जो कि गुर्दे की पथरी का उपचार में अच्छा माना गया है। किडनी में पथरी का इलाज मूली के साथ आंवले का चूर्ण खाने से गुर्दे की पथरी खत्म हो जाती है। किडनी के स्टोन में पके हुए प्याज का रस रामबाण दवा है। एक बर्तन लें, इसमें एक से दो प्याज छील के डालने से एक गिलास पानी मिला लें। धीमी आंच पर पकने दें। प्याज जब अच्छे से पक जाए तो गैस से उतार लें और ठंडा होने दें। अब इस मिश्री में डाल कर पीस लें और फिर छान लें और इसके इस्तेमाल से आपको बहुत आराम मिलेगा। पित्त की थैली में पथरी होने का कारण कोलेस्ट्रॉल का जमना बहुत ज्यादा होता है। पित्त में पथरी होने पर अक्सर यही कहा जाता है कि बिना ऑपरेशन के निकालना मुश्किल है, लेकिन आज आपको मैं ऐसा उपाय बताऊंगी जो संभव हो सकेगा बिना ऑपरेशन के। गाल ब्लेडर स्टोन को गलाने के लिए सेब का जूस और सेब का सिरका काफी गुणकारी है। सेब में मेलिक एसिड होता है जो पथरी को गलाने में मदद करता है, और लीवर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में सेब का सिरका बहुत उपयोगी है। पित्त की पथरी निकालने के लिए एक चम्मच सेब का सिरका प्लस एक गिलास सेब के जूस में मिलाकर दिन में दो बार पिएं। पित्त की थैली की पथरी निकालने का अचूक उपाय पुदीना एक उत्तम औषधि है। पुदीने की ताजी या सूखी पत्तियां पानी में उबाल लें, गुनगुना होने पर इसे छान लें और थोड़ा शहद मिलाकर पी। नाशपाती का जूस एक गिलास और दो चम्मच शहद एक गिलास गर्म पानी में मिलाकर। गाल ब्लेडर स्टोन के उपयोग करने में बहुत फायदेमंद है। एक खीरा, चार गाजर, एक चुकंदर लें और जूस बना लें। हर रोज सुबह दो बार पीने से पित्त की पथरी में राहत मिलती है। पथरी होने पर कुल्थी की दाल खाना बहुत ही फायदेमंद है। पथरी के इलाज में कुल्थी एक से दो चम्मच लें और एक गिलास पानी में उबालें। पानी जब 50 ग्राम रह जाए तो छानकर पी लें। पथरी के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा पतंजलि में दिव्या असम रिहार्क रस का सेवन करें। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन पथरी को तोड़कर पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। पथरी के लिए या पथरी से बचने के लिए हमें कपालभाति प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसके नित्य करने से हम पथरी के रोग से और बहुत से रोगों से बच सकते हैं। पथरी के इलाज के लिए पाखनबेद नाम का एक पौधा है, जिसे हम पत्थर चट्टा के नाम से भी जानते हैं। ये पथरी का रामबाण दवा है। एक से डेढ़ गिलास पानी में पत्थर चट्टा के 10 पत्ते उबाल कर इसे काढ़ा बना लें और सही तरीके से इसे नियमित रूप से एक से दो हफ्ते में ही पथरी खत्म हो जाती है, या आप इसके पत्थों को चबा चबा कर भी खा सकते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी एक ऐसी होम्योपैथिक दवा का नाम जो आपकी पथरी को खत्म कर। बेबेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर, ये मेडिसिन पत्थर चट्टा पौधे से तैयार की जाती है। इस पथरी की दवा का नाम सिर्फ आप किम जानकारी में ही बताया जा सकता है। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते। पथरी की होम्योपैथिक दवा के लिए 10 से 15 बूंद एक चौथाई कप गुनगुने पानी में डालें। इस दवाई का सेवन दिन में 4 बार करें। गुर्दे में पथरी हो या पित्त की थैली की पथरी, इस दवा के लेने से 1.5 महीने के अंदर पथरी निकलने में राहत मिलेगी। बार बार पथरी होने की समस्या हो तो चाइना 1000 नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन की 2-2 बूंद सुबह और शाम लें। ध्यान रहे कि दवा की कुछ बूंदें सीधे आपके जीभ पर डालनी है और कहीं नहीं, इससे आपकी पथरी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। पथरी की समस्या होने पर हमें बहुत सी चीजों से बचना चाहिए, यानी खाने में हमें क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, आज आपको मैं वो भी बता देती हूँ, ताकि फ्यूचर में आपको दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो, या अगर नहीं हुई है तो आगे भी ना हो। पथरी की समस्या होने पर चूना खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप चूने वाला पान खाते हैं तो इसे कभी ना खाएं। बीज वाले फल और सब्जी अधिक ना खाएं। गुर्दे की पथरी में परहेज, नॉन विश प्रोटीन ना खाएं या कम मात्रा में खाएं, इससे यूरिक एसिड स्टोन कैल्शियम स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। मांस मछली में कैल्शियम और प्रोटीन अधिक होता है, इसलिए पथरी के रूप में ये नहीं खाना चाहिए। नारियल पानी, केला, गाजर, चना, राजमा और करेले का सेवन करें, ये सब पथरी बढ़ने से रोकते हैं। पित्त की पथरी में परहेज में तेल, मसालेदार और वसायुक्त खाने से बचें। आहार में विटामिन सी की अधिक मात्रा लें। तो फ्रेंड्स, मुझे बताइए कि आज का मेरा ये वीडियो और घरेलू नुस्खे पथरी के लिए आपको कैसे लगे। अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी, लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ में छोटी घंटी बनी है यानी बेल आइकन, उसको प्रेस करना कभी ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाला मेरा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर बहुत ज्यादा करें। शेयर करें, हो सकता है आपके लिए मेरा वीडियो 10% इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आपके जानने वाले के लिए ये 100% हो सकता है। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ जहाँ आपके अकाउंट्स हैं, वहाँ वहाँ मेरा वीडियो पोस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।